आज बाइडन कह रहा है मोदी माय फ्रेंड है, सुनक ऋषि सुनक का सब जगह नाम है, भारतीयों का आजकल नाम है। मोदी से पहले हम भारतीयों कौन जाता था? ये राहुल गांधी एक एक लाख दे रहा है, ले लो ना। अरे वो तो राहुल एक लाख पर थूक देंगे, थूक देंगे एक लाख पर। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सिर्फ मोदी चाहिए। मोदी मुझे मुझे चाहिए नरेंद्र मोदी जैसे बाप, बाप चाहिए वो नरेंद्र मोदी जैसे। हाँ वो राहुल गांधी जूती का धूल है, जूती का धूल। हाँ जूती का धूल है। क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओगे? नहीं, 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 ये कभी नहीं हो सकता। प्रधान बनने लायक भी नहीं, प्रधान भी नहीं बनाएंगे, प्रधान भी नहीं बनेगा। रामचंद्र जी के विरुद्ध सारे राक्षस थे ना, और जीते कौन? रामचंद्र जी। सारे राक्षस मारे गए, यहाँ तक रावण विद्वान था वो भी मारा गया। तो मोदी में वही बात है, जीतेंगे वो। मोदी अगर हमको बोलेगा एक लाख दो, हम अपनी एक लाख देंगे। बार बार पूरा विपक्ष कहता है ये मोदी का कोई परिवार ही नहीं है, इसको क्या मालूम है। हम उसका परिवार है, हम उसका परिवार है, मोदी का परिवार, हम लोग बिल्कुल परिवार है। ये अगला सर कटा सकते हैं मोदी, राहुल हमें एक लाख देगा ना, मोदी आज मांगे हम एक एक लाख इकट्ठा करके हम मोदी को देंगे। अब भी सुलझी है, राहुल गांधी के बाप दादाओं ने क्या किया, कश्मीर की समस्या धारा 370 अभी मोदी जी ने हटाई है। मोदी राम मंदिर मोदी लाया है, 500 साल बाद हमने अपने राम को पाया है ना। तो मोदी है सनातन धर्म की जय, घर घर मोदी, हर हर मोदी। ये राहुल कह रहा है कि भाई मोदी अगर जीत गया तो देश में आग लग जाएगी, नफरत का माहौल। 70 साल तक कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल तक कश्मीर में क्या किया? 90 में कश्मीर में क्या हुआ? सारे पंडित भाग के यहाँ आए, क्या किया राहुल गांधी ने उनके लिए? ये भी कहते हैं कि देश के पास कुछ भी नहीं था, सपेरों का देश था, हमारे दादा पर दादाओं ने सुई से लेके जहाज तक हमने बना के दिया है। आज बाइडन कह रहा है मोदी माय फ्रेंड है, सुनक ऋषि सुनक का सब जगह नाम है, भारतीयों का आजकल नाम है। मोदी से पहले हम भारतीयों कौन जाता था? हम गरीब थे, सड़े हुए थे, गंदे रहते थे, लेकिन मोदी ने आज हमारे देश का माय फ्रेंड माय। राहुल गांधी एक एक लाख दे रहा है, ले लो ना। अरे वो तो राहुल एक लाख पर थूक देंगे, थूक देंगे एक लाख पर। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सिर्फ मोदी चाहिए, मोदी चाहिए, एक करोड़ भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें मोदी से, मोदी सरकार। हमें अपना धर्म चाहिए, अपनी भारतीय संस्कृति चाहिए, अपनी मर्यादा चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, घर घर मोदी। मुझे मुझे चाहिए नरेंद्र मोदी जैसे बाप, बाप चाहिए वो नरेंद्र मोदी जैसे। हाँ वो राहुल गांधी जूती का धूल है, जूती का धूल। हाँ जूती का धूल है, युवा नेता है, युवा नेता होगा वो अपना, उसमें नेता वो युवा नेता नहीं चाहिए हमें, हमें तो मोदी चाहिए। मोदी ने सिलेंडर दिए, राशन कार्ड भी बंटवाए, राशन बंटवाए। क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओगे? नहीं, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। प्रधान लायक भी नहीं, प्रधान भी नहीं बनाएंगे, प्रधान भी नहीं बनेगा, मंत्री तो बहुत दूर है, प्रधान लायक भी नहीं है वो तो। अगर हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने, नहीं बनेगा, नहीं बनाई, नहीं नहीं नहीं, हम अपने गांव का प्रधान भी नहीं बनाएंगे। जो चाहिए ना वो हमारे बाप है नरेंद्र मोदी, वही चाहिए हमें। सब कुछ किया, सब कुछ किया है, सब कुछ, जो भी जीवन दिया है, जीवन, घर घर में बहु बेटी को इज्जत दिया है, रोटी दिया है, मुझे वही बाप चाहिए। कांग्रेस वाले कहते हैं ये तानाशाही कर रहा है मोदी, मोदी लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, मोदी तानाशाही कर रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो कर रहे थे कि ये कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं ना। उसकी दादी ने क्या किया, हिंदुओं को नसबंदी करवा दी, संख्या कम करवा दी और अपनी ज्यादा बढ़वा दी, ये नहीं देख रहा वो? और हिंदुओं को मार काट करता रहेगा वो, अभी भी कर, अभी भी कह रहा है राहुल गांधी। राहुल गांधी भैया तुम्हें, राहुल गांधी की ये गरीबों के बहु बेटी को कुछ नहीं समझता है। वो जो भी करा है ना, से नरेंद्र मोदी ने बचाया बहु बेटी को। ये भी कहता है कि वो ये नया राहुल गांधी है, देश के बारे में आगे करेगा, पुराने भैया जूती के धूल है, जूती के।
दूल पब्लिक का एक दूल है वो राहुल गांधी। नहीं तुम्हें लगता है तुम्हें लगता है एक बात सुनो तुम्हें लगता है कि वो प्रधानमंत्री एक बात सुनो भैया तुम्हें लगता है कि वो प्रधानमंत्री लायक है वो लायक यात्रा पे यात्रा वो पगला लगता है पगला जैसा तो रहता है वो पगला है वो ना उसको चलना ना बोलना बोलने का ढंग देखो उसका हम भारत को जोड़ रहे हैं जोड़ना जोड़ रहा है वो तुम्हें लग रहा भारत को बर्बाद कर रहा हाँ भारत को बर्बाद कर रहे हैं हमारे मोदी जी हमारे भारत में तोड़ने की बात करें राहुल गांधी कुछ नहीं करने वाला हमेशा मुसलमान को अलग हिंदू को अलग करने में बंटवारा करने के चक्कर में लगे हुए मोदी जी बांट रहे हिंदू मुसलमान नहीं ये राहुल गांधी का काम है बिल्कुल तो ये अभी 26 दल एक साथ मिलके कह रहे हैं कि उखाड़ के फेंक देंगे मोदी को कौन है मोदी मोदी को नहीं सकता है उसके खत्म कर देंगे मिटा देंगे उसके हम मिटा देंगे रामचंद्र जी के विरुद्ध सारे राक्षस थे ना और जीते कौन रामचंद्र जी सारे राक्षस मारे गए यहाँ तक रावण विद्वान था वो भी मारा गया तो मोदी में वही बात है जीतेंगे वो बार बार ये क्यों कहते हैं दिया है क्या है क्या दिया कुछ नहीं कह रहे अभी दूंगा अभी 1,00,000 रुपए दूंगा कुछ नहीं चाहिए जीतना मोदी 1,00,000 पर थूक देंगे बात सुनिए मेरी बात सुनिए अभी बार बार कमीना है कमीना वो 1,00,000 देगा यहाँ मोदी ने 5,00,000 दिया है सबको जो इलाज बीमा का 5,00,000 रुपए दिया है 1,00,000 जब तक गांधी सरकार थी वो 4 लोगों को नहीं पाल सकता था मोदी जी ने तो करोड़ों को पाला है और वो पालते मोदी ने तो हमें योद्धा भी हमने सपने भी नहीं देखे थे ये बार बार पूरा का पूरा विपक्ष कहता है मोदी जो है ये अडानी अंबानी को देता है मैं माता बहनों को दे रहा हूँ राहुल गांधी ऐसा कहता है तो भाई एक बात बताइए देता है ना वो मोदी देता है राहुल गांधी इतने करोड़ों रुपए कहाँ से लाया उसके बाप दादों ने हमारे देश का सोना खाया है हमारे देश का धन खाया है स्विस बैंक को में रखा हुआ है कहाँ से 1,00,000 देगा वो हमको हाँ जी कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारे बाप दादाओं ने देश का बड़ा किया है सपेरों का देश था हमने इसको आगे बढ़ाया है क्यों स्विस बैंक में किसका धन रखा हुआ है सोना कहाँ गया जब संजय गांधी मरा था इंदिरा गांधी क्यों की लेने के लिए गई थी हमारा सारा धन इनके बाप दादाओं के पास है अब मोदी क्या है उसके पास कुछ नहीं है एक कुर्ता है रुपए की कुछ नहीं है मोदी के पास मोला उठा के चल देंगे है जी मोदी को हम मोदी अगर हमको बोलेगा 1,00,000 दो हम अपनी 1,00,000 देंगे बार बार पूरा विपक्ष कहता है ये मोदी का कोई परिवार ही नहीं है इसको क्या मालूम है हम उसका परिवार है हम उसका परिवार है मोदी का परिवार हम लोग बिल्कुल परिवार है ये सर कटा सकते हैं मोदी राहुल हमें 1,00,000 देगा ना मोदी आज मांगे हम 1,00,000 इकट्ठा करके हम मोदी को देंगे हम मोदी को 1,00,000 देंगे हम मोदी के परिवार है हम मोदी के परिवार है पूरा पूरा देश मोदी का परिवार है इधर 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 आप हाँ क्या नाम है पूजा 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 जी क्या कहेंगे आप ये कह रहे हैं कि भाई मोदी का कोई परिवार ही नहीं है इसे क्या मालूम महंगाई क्या होती है घर कैसे चलता है पूरा पूरा देश उनका परिवार है हम उनके परिवार है और पूरा विश्व भी उनका परिवार बन जाएगा आने वाले टाइम पे और बन चुका है सब उतार के दे देंगे अपने कान के गले के सब उतार के दे देंगे सब उतार के दे देंगे मांगे तो मोदी ऐसा क्या है मोदी में जो कुछ है हमारा सनातन धर्म सब कुछ हमारा धर्म है मोदी जैसा ना था ना कोई है और ना कोई भविष्य में होगा जब तक मोदी है तब तक सनातन है और सारे के सारे 26-28 दल मिलके कह रहे उखाड़ के फेंक देंगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा बीजेपी उन सबको पूरा उनका अस्तित्व ही गायब कर देगी बीजेपी उनका अस्तित्व ही गायब कर देगी जो कुत्ते भोंकते हैं ना वो कुत्ते काटते नहीं है भोंकने दो कुत्तों को भोंकने दो मोदी शेर है शेर अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया है शराब घोटाले में तो वो ये कह रहे हैं कि ये मोदी मुझसे डर गया है इसलिए मेरे को जेल में डाल रहा है क्योंकि चुनाव में हरा नहीं सकता वो तो अपने कर्मों से गया एक एक वो तो अपने कर्मों से गया अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी सेम एक जैसे हैं दोनों एक जैसे हैं हैं उसने अरविंद ने क्या किया क्या किया अपना आलिशान वो मकान देखो उसका क्या हमारे हाँ इतना सुंदर केजरीवाल का 12,00,000 का टॉयलेट है मैंने टीवी में देखा था बटन दमन 12,00,000 का टॉयलेट बताओ गरीब का बहू बेटी कुछ नहीं है
केजरीवाल तो कहता है मैं आम आदमी, वो आएगा ना राहुल गांधी चटनी बगैर कूच देंगे। अच्छा आपको नहीं लगता है केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तो कह रहे कि भाई ये भाजपा डर गई है, ये चाहती विपक्ष खत्म? ऐसा कुछ नहीं है, केजरीवाल ही डर गए हैं और जनता अपना डिसीजन ले चुकी है। अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको जेल जरूरी होगी, न्याय व्यवस्था है, जो गलत करेगा वो सजा पाएगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला कि केजरीवाल कितना है साक्ष्य, कितना वो अपनी सफाई दे सकता है। हर आदमी को कोर्ट में जाने का हक है, अपनी सफाई देने का हक है, ये समय बताएगा, समय बताएगा। सरकार भी चलाऊंगा जेल के अंदर से ही चलाने, वो गुंडे को चलाते हैं ना, गुंडे कई गुंडे जेल के अंदर से नहीं चलाते, कई गुंडे चलाते हैं। 70 साल से तो चला नहीं पाए, अब क्या चलाएंगे वो सरकार? केजरीवाल ये कह रहा है कि मैं जेल के अंदर से सरकार चलाऊंगा, देखता हूँ कौन। जो बड़े बड़े डॉन है ना वो जेल के अंदर से सारी कार्यवाही करते हैं, गैंग चलाते, वही केजरीवाल मोदी जी करेंगे उनका इलाज। पहले अपने आप को बाहर तो निकाल ले, तब जाके सरकार चलाएंगे वो। करेंगे केजरीवाल का इलाज तो योगी जी करेंगे। और केजरीवाल जैसे करने वैसे भरने, ऐसा ही है केजरीवाल भी जी, ऐसा ही है करने वैसे भरने पे वो करेंगे। अगर पीओके को पीओके जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसके बाप दादों ने हिंदुस्तान से अलग किया है, यदि उसको भारत में मिला दे तब हम उसके विषय में खुश हो सकते हैं।